सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। माय नेम इज प्रतीक शर्मा और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं, हमारा देखो क्राइम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया जो सब्जेक्ट है वो चल रहा था, उसके अंदर हमने क्राइम की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि भाई क्राइम होता क्या है, क्या तरीके के क्राइम, वही प्रीडेटरी, वायलेंट, इनकोहेट और हेट, वो चार तरीके के क्राइम थे, ठीक है। उसके बाद जो हमने और क्या करा था इसके अंदर, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कर लिया था, वही 12वीं 13वीं सेंचुरी, 20वीं 21वीं में क्या था, 17 18 में क्या था, तो किस किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुई है क्राइम के डेफिनेशन के अंदर, क्राइम को इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो वो सारी जो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया था, ठीक है जी। एक बार देख ले फटाफट से कि हाँ ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है सही से और वीडियो रिकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ दिख रही है। चलो जी, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी क्राइम एंड सोसाइटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आज का टॉपिक का नाम जो है, यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा क्राइम एंड सोसाइटी। बड़ी खराब हैंडराइटिंग आ रही है, बहुत टाइम बाद जो है यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। सोसाइटी, तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, ये टॉपिक हमारा क्राइम एंड सोसाइटी। इंट्रोडक्शन पार्ट में कह रहा है जी, ये क्राइम इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फेसिंग इन एवरी सोसाइटी, ठीक है जी। हर सोसाइटी जो है यहाँ पर क्राइम एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा हीटेड टॉपिक रहता है और यहाँ पर हर सोसाइटी जो है इससे जूझ रही है। सो एंड इट इज अ मिथ ऑफ थिंकिंग अ क्राइमलेस सोसाइटी, इन फैक्ट देयर कैन बी नो सोसाइटी विदाउट अ क्राइम। सो क्राइमलेस सोसाइटी का जो हमारा वो आ जाता है कि हमारी तो जी क्राइमलेस सोसाइटी है, ये तो जो है जी क्या है, एक मिथ है, क्लियर है। क्राइमलेस सोसाइटी जैसा हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होता है। सो मीनिंग क्या होता है क्राइम का, बेसिक मीनिंग हो गया जी, क्राइम रेफर्स टू वायलेशन ऑफ लॉ और एन एक्ट पनिशेबल एंड फॉरबिडन बाय लॉ। बड़ा आसान हो गया, जो क्राइम का मतलब हो गया वो क्या हो गया जी, वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ, सिंपल है, इजी हो गया। और एन एक्ट पनिशेबल एंड फॉरबिडन बाय द लॉ, उसके अंदर जो है एक पनिशमेंट का भी जो है एक प्रोविजन रहता है कि भाई अगर तुम इसको लॉ को मानोगे नहीं तो इसके अंदर तुम्हें को पनिशमेंट मिलेगी। सो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। कार्ल मैनहेम का जो है एक डेफिनेशन है इसके अंदर, KARL, कार्ल MANNHEIM, कार्ल मैनहेम, इन्होंने क्या कहा, डबल एन है, ठीक है। कह रहे जी क्राइम इज एन एंटी सोशल बिहेवियर, क्राइम जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर होता, ठीक है जी, क्लियर है। क्राइम इज एन एंटी सोशल बिहेवियर, क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू गिलेन एंड गिलेन, अब जी हमारे गिलेन एंड गिलेन क्या कह रहे हैं जी, क्या स्पेलिंग है जी, GI NNIN एंड सेम GI NNIN, गिलेन एंड गिलेन जो हमारे कह रहे हैं जी, क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, इजी है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड हो गया जी, अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, क्लियर, इजी होगा ये दोनों जो हमारे यहाँ पर मेन जो है, कार्ल की भी और गिलेन की भी, दोनों यहाँ पर जो है बहुत मेन डेफिनेशन है। इसको आप लिख कर आओगे तो जो आपका चेकर है वो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है जी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है जो कि ज़रूर से ही पूछा जा सकता है 5 नंबर में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग में, जैसे 12.5, 18 नंबर में भी इस तरीके से पूछता है। इसके अंदर आपको सारा ही लिखना है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, ये टॉपिक का भाई आर एस कंक्लूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम पूछेगा, लेकिन हमने सारे कुछ ही लिखना है, ठीक है। ये सर आपने नोट कर लिया, इसको हटा देते हैं, हटाने वाला कौन सा बटन था यार, हाँ अच्छा ये वाला था, हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया इसका, मतलब कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसको आप एसेंशियल्स भी मान सकते हो, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, क्राइम मस्ट बी हार्मफुल, भाई कोई हार्मफुल एक्ट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। क्राइम लिंक्ड विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी है उससे कुछ लिंक होना चाहिए, मतलब कि कुछ इफेक्ट कर रहा है सोसाइटी को या कुछ इस तरीके का कर रहा है, तो वो कुछ होना चाहिए इसके अंदर। थर्ड, रॉन्गफुल एक्ट, क्लियर है जी, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए ये। फोर्थ, इंटेंशन बिहाइंड द क्राइम, मतलब कि मेंसरिया, मतलब कि क्या हो गया, गिल्टी माइंड, क्लियर है। फिफ्थ, साइन ऑफ माल एडजस्टमेंट, इसका क्या मतलब होता है, फोर्सफुलनेस, माल एडजस्ट
कमिटमेंट, इसका मतलब होता है जी फोर्सफुलनेस। फोर्सफुलनेस मतलब कि कुछ फोर्स जो है यहां पर इंक्लूड होना चाहिए। इजी हो गए जी, ये जो हमारे पांचों क्या हो गए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम। अब देख लेते हैं जी कॉजेस, इजी के सामने लिख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। कॉजेस क्या हो गए जी, देखो आप खुद ही सोच के देखो कि कॉजेस ऑफ क्राइम क्या हो सकते हैं, है ना। क्राइम के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकता, यही सारे हैं, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, दूसरा पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी, थर्ड क्या हो गया जी इसमें, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसीनेस कर सकते हैं, या फिर चलो इसको लैक ऑफ एजुकेशन नहीं लिख देते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन शॉर्ट में लिख दिया हमने यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, रिलीजियस, रिलीजियस क्या, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, ठीक है, रिलीजियस सुपरस्टिशन के बाद वही पॉवर्टी हो गया अपना, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है जी इसमें, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट इसके अंदर ये कुछ रीजन होगा। इसमें एक पॉइंट और हो सकता है कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, इनइफेक्टिव लीगल सिस्टम, तो जो लीगल सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, मतलब इनइफेक्टिव है बेसिकली, समझ गए, इसको ज़्यादा जगह नहीं लिखने की। और हाँ इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है आएगा वो है इसके अंदर, सेवन लिख देते हैं यहाँ पर बनाकर, लीगल सिस्टम जो हमारा इनइफेक्टिव है, ठीक है ये तो क्लियर हो गया। और इसमें वर्चुअल वर्ल्ड, हाँ वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू भी जो है, मतलब अब जो है यहाँ पर RLD, हाँ मतलब अब जो है बेसिकली यहाँ पर जो इंटरनेट रिलेटेड क्राइम्स हैं वो जो है इस टॉपिक, इस मतलब कॉज के अंदर जो है फॉल करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड के, क्लियर है, ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब देखिए फटाफट से टाइप्स ऑफ क्राइम, देखो ध्यान रखो जो हमने वहाँ पर टाइप्स ऑफ क्राइम पढ़े थे, कहाँ, पिछली वीडियोज के अंदर जो वो थे इनकोहेट, हेट, वायलेंट और वो प्रीडेटरी, वो जो थे वो वैसे वाले क्राइम के टाइप्स थे, पुराने टाइप से जो चलते आ रहे हैं। ये वाले जो मैं टाइप्स ऑफ क्राइम बता रहा हूँ ये है लिंक्ड विद द सोसाइटी, कि मतलब कहीं ना कहीं ये जो टाइप्स ऑफ क्राइम है ये सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करते हैं, क्लियर है जी, ये सारा मिटा रहा हूँ अब मैं। अब हमारा जो टॉपिक ऐसे स्टार्ट हो रहा है जी, टाइप्स ऑफ क्राइम, हाँ टाइप्स ऑफ क्राइम किसके, सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है जी ये भी लिखना जो है इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, सोसाइटी से रिलेटेड क्या हो गया जी, पहला क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं खुद ही सोचो, अरे जितने भी मर्डर रेप हैं ये सारे किसके, बंदे के अगेंस्ट ही होते हैं ना, मर्डर आदमी को मारते हो उसमें, रेप ह्यूमन का ही होता है, हाँ एनिमल के भी हो सकते हैं आप कह सकते हो ये, लेकिन जनरली जो है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब खुद ही सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से क्राइम होते हैं, थेफ्ट हो सकता है जनरली, अगर चोरी देखें मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, है ना, थेफ्ट, डकॉइटी, ये सारे कुछ चीजें हो सकती है, डकैत आ गई जी घर के अंदर इस तरीके से जो पुराने टाइम पे आते थे, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी कई आप केसेस, मतलब केसेस कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, क्राइम जो है यहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, मोरालिटी कौन से हो सकते हैं जी, ड्रग अब्यूज, गैम्बलिंग, मतलब मॉरल नहीं है, मतलब देखो ड्रग अब्यूज क्या होता है खुद ही सोचो, ये होता है ऑफेंस विदाउट विक्टिम, अब यार जो नशा कर रहा है, मार रहा है, सूंघ रहा है, वो खुद ही में ही विक्टिम भी है, सब कुछ खुद ही कर रहा है, ऑफेंस भी खुद ही कर रहा है विक्टिम, इसमें कोई थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं, तो सिंपल है, तो ये होता है ऑफेंस विदाउट विक्टिम, तो ये मोरालिटी के अगेंस्ट होते हैं बेसिकली। ड्रग एडिक्शन इसके अंदर हम लिख सकते हैं आराम से। फोर्थ पॉइंट हेट क्राइम, ये सेम ही है जो हमने पीछे करा था उसके अंदर टाइप्स ऑफ क्राइम में, कि भाई हेट होता है किसी के, क्या किस उसमें हो सकता है कि रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कलर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी उससे मतलब जलन की भावना हो गई बेसिकली। वाइट कॉलर, वाइट कॉलर क्राइम बता रखा आपको मैंने, ये हाई स्टेटस लोग जो है इसको करते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं इसके अंदर, टैक्सी वेजन आ सकता है, अब गरीब आदमी तो टैक्सी वेजन करेगा नहीं भाई, उसका टैक्स ही नहीं बनता तो वो वेट क्या करेगा, टैक्सी वेजन, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड,
ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आ गया हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम ने हम अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ये सब्जेक्ट भी है हमारा नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो क्राइम किया जाता है, तो इसके अंदर कौन सा आ सकता है, वही ड्रग ट्रैफिकिंग आ सकता है भाई। अब इतना तगड़ा पूरा गैंग होता है इनका, तरीके से बाहर से लाना होता है माल, यहाँ पहुँचाना होता है समुद्र के थ्रू पहुँचाया, तो पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड और एस्केप प्लान भी इसके अंदर इनका बिल्कुल तैयार रहता है कि अगर पकड़ गए तो भैया भाग जाएंगे। इसको हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर, जिसका ऑर्गेनाइज क्राइम ही है मेरे ख्याल से सब्जेक्ट का नाम वो, तो उसके अंदर तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और क्या हो सकता है जी, सेल ऑफ इलीगल गुड, इलीगल गुड्स जो है जिनकी सेल होती है, किसके, इलीगल गुड्स की, इलीगल गुड्स की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्राइम, ओके। तो ये टॉपिक जो है यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसको जो है हम कभी बाद में जो है या फिर देखता हूँ अगर कंटिन्यूशन रहता है वीडियो का तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ क्राइम जो है मैप हमारे यहाँ पर कवर अप हो चुके हैं, तो हमने आज यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से जो ब्रश अप कर लेते हैं चीज़ों को। क्राइम एंड सोसाइटी लिंक पढ़ना है, क्राइम क्या होता है, विदाउट सोसाइटी क्राइम नहीं होता, मिथ है, ये सारी बातें कर ली। डेफिनेशन दो करिए कार्ल की और गिलन की। कैरेक्टरिस्टिक्स में वही मेंसरी एक्टरिया, हार्मफुल होना चाहिए, कोई एक्ट होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, साइन ऑफ माल एडजस्टमेंट मतलब फोर्सफुलनेस होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ क्राइम वही लैक ऑफ द हेड ऑफ द मेंबर हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, वर्चुअल वर्ल्ड है, इनफेक्टिव लीगल सिस्टम, बहुत सारे मामले। टाइप्स ऑफ क्राइम में वही अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉरलिटी, आपके सामने सारे टाइप्स ऑफ क्राइम हमारे छहों के छहों लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रदीप शर्मा साइनिंग आउट, बाय।